अस्सलाम वालेकुम। तरबूज लेके आया हूँ आज मैं। तो मैंने कहा कि आज बताते हैं कि तरबूज खाने का तरीका भी बताते हैं। तीन चार तरीके मेरे माइंड में चल रहे हैं। तरबूज देखो माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना बड़ा है जी तरबूज। मैं लेके आया हूँ, आज काटते हैं, व्यूवर्स को भी दिखाते हैं, उनसे भी गाइडलाइन लेंगे कि उनको किस तरीके से पसंद है खाना। तो मैं भी आज मुख्तलिफ तरीकों से खा के दिखाऊंगा। तो चलें चलते हैं, इसको वाश कर लेते हैं पहले। चलें जी अभी धो लेते हैं तरबूज। माशाल्लाह तरबूज तो इतना बड़ा है, सिंक में नहीं आ रहा है। देखो इतना बड़ा है, वैसे 12 महीने ही आते रहते हैं तरबूज इधर। ये तरबूज जो है ना मेड इन सोदिया है, कहीं बाहर से नहीं आया, क्योंकि ये तरबूज इधर का ही पैदावार है और माशाल्लाह बहुत ही वजनी है। तकरीबन 13-14 किलो का तो होगा ही आराम से। तो अभी इसे हमने धो लिया है और इसको करने के बाद इसको हम ले चलते हैं, इसको लेके चलेंगे काटने के लिए। तो काट के आपको दिखाते हैं कि तरबूज कैसा निकलता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा और खा के भी दिखाएंगे कि मीठा भी है या नहीं। पहले जब मैं लेके आया था ना बाहर से, तो मुझे पसीना इतना ज्यादा आ गया था, माशाल्लाह इतना वजनी था, मुझे उठाया नहीं जा रहा था। तो मैंने बेल बजाई तो दरवाजा खुलने में भी टाइम लग गया, इसलिए जो था ना मुझे बड़ा पसीना आया। अभी मैं रिलैक्स हूँ। चलें अभी लेके चलते हैं इसको। चलें जी अब इसको साफ कर लेते हैं, अच्छे तरीके से खुश कर लेते हैं। ये खुश करने के बाद इसको हम लेके चलेंगे। अभी देखें लो जी, ये हमारा तरबूज ड्राई हो गया, तो अभी हम इसको ले चलते हैं। चलें जी, ये आइए, इसको तो आप जानते होंगे नाइफ है, इसको नाइफ कहते हैं। तो चलते हैं अभी लेके। देखें जी माशाल्लाह तरबूज आ गया है जी। आज मैं ये जो मेरी वीडियो है ना, इस तरबूज के ऊपर ही है। मैं तरबूज लेके आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्यूअर्स को बताएं कि तरबूज खाने के कितने तरीके हैं। आज आपको देसी तरीके से भी मैं बताऊंगा कैसे खाते हैं तरबूज, और इंग्लिश तरीके से भी बताऊंगा मम्मी डैडी जो उनसे हैं वो कैसे खाते हैं तरबूज। तो मैं पंजाबी तरीके नाल भी दसांगा कि कैसे खाना है, अदवाना कैसे खाईदा है, अदवाना खाने का सही सही तरीका भी तुम दसांगे पंजाबी स्टाइल से। चलें अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें स्टार्ट करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि तरबूज कैसा निकलता है। बिस्मिल्लाह, वैसे कुर्बानी भी आ रही है, छुरी को देख के मुझे कुर्बानी भी याद आ रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी हमारा तरबूज निकला है जी। माशाल्लाह कैसा जबरदस्त, और मुझे तो बड़ा यमी लग रहा है, जूसी है। ये देखें ना माशाल्लाह कितना जूसी है और कितना यमी नजर आ रहा है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त निकला है हमारा तरबूज। अभी ये है कि मैंने हाफ अपने पास रख लिया है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और जो ये हाफ है ना इसको मैं साइड पे करने लगा हूं। तो ये हाफ साइड पे कर देते हैं और हाफ के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बाकी अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि मम्मी डैडी स्टाइल में हम कैसे तरबूज खाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको नाइफ बड़ा लग रहा होगा, लेकिन तरबूज के हिसाब से ये नाइफ बिल्कुल सही है। तो ये अभी हम इसको कट कर ले। माशाल्लाह इतना जूसी है और इतना मीठा है, मजा आ गया खाने का। ये मैं खा रहा हूँ मम्मी डैडी स्टाइल से, पीसेस छोटे करके फोर्क के साथ खा रहा हूँ जी। ये हमारा नॉर्मल तरीका है, जो नॉर्मल तरीके से हम खाते हैं। आप ऊपर नमक डाल के खाना चाहते हैं नमक डाल लें, कुछ कहते हैं ना काला लून पा लो या चिट्टा लून पा लो, तुसी जेड़ा मर्जी लून पा लो, अगर ना भी पाओ तो फिर भी बड़ा मजेदार लगता है। ये नॉर्मल तरीका है। व्यूवर्स आपने मुझे बताना भी है कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपने। हमारा
व्यूवर्स देख रहे हैं ना, हुण देखो ये हुण मुक गया तकरीबन, तो ये इदां ही छेड़ देना है, तो कुकड़ियां ने खा लेना है, कुकड़ियां ने जो खा के नबेड़ना है तो असीं फिर गावां दे अगे पा देना है, तो गावां ने इन्हां ने खा लेना है। तो देख लो असीं गावां कोलों दुध पीने हैं तो मुर्गियां कोलों अंडे खाने हैं। फिर तो ये देखें ये किस तरीके से हमने अब मम्मी डैडी स्टाइल से खाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको चम्मच की ज़रूरत है, जैसे आपने उधर फोर्क लिया था ना, तो इधर आपको चम्मच की ज़रूरत है। ब्लैक सॉल्ट है ये देखें, ये थोड़ा सा आप उसके ऊपर डाल लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो आपने खाना कैसे, आपने चम्मच ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे चम्मच पकड़ना है आपने। पकड़ने के बाद आपने चम्मच ये देखें, बहुत ही आसान है, बहुत ही, आप ट्राई ज़रूर करें, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत इंजॉय करेंगे और आपके बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखें, ये देखें बहुत ही इजी है, आप इजीली खा सकते हैं। ये देखें ये तरीका बहुत अच्छा है। तो ये भी मम्मी डैडी स्टाइल है, क्योंकि चम्मच से खा रहे हैं, हाथ ना टच हो जाए, ये मुंह ना खराब हो जाए हमारा, तो ये तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। आखिरी तरीका है ना हमारा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो तो हमें ना अपनी बचपन की यादें याद करवा देता है, वो वाला तो मुझे बहुत पसंद है वो तरीका। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो फ्रेंड्स देख रहे हैं मुझे, इनको भी ये तरीका बहुत पसंद आएगा, अपना बचपन ज़रूर याद आएगा इंशाल्लाह। जी अभी मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइप कौन सी है खाने की वो मैं बताता हूँ आपको। मुझे एक बात याद आ गई, तरबूज को देख मुझे हंसी भी आ रही है, कि जब छोटे होते थे ना हम तरबूज लेते थे या वाड़ी दे विचों तोड़ के, नाल वाड़ियां लगियां होंदियां सी, नहर नालों लंघदी होंदी सी, खाले चलते होंदे सी, पानी दे ट्यूबवैल चलते होंदे सीगे, ते तरबूज असी अधवाना अधवाना असी तोड़ना, वाड़ी चों नहर दे विच सिट लेना, नहर च नहाई भी जाना ते अधवाना भी ठंडा हो जाना, जो ठंडा हो जाना कढ़ना, कढ़ के एवें करके मारना है, मार के तो फिर खाना शुरू कर देना है। तो लो जी असी भी हुण खाना शुरू कर दिंदे हां। ये तरीका मेरे सारे नालों ज्यादा पसंद है। तो आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। ये तरीका आप बहुत मजे का तरीका है, ये मुझे उम्मीद है कि आपने भी ऐसे जरूर खाया होगा ये वाला। आधा लून पा के तुसी खाओ तो बड़ा ही स्वाद आता है, तुसी खाओ, ये पंजाबी स्टाइल है, पेंडू स्टाइल कह लो, पंजाबी स्टाइल कह लो, लेकिन सानू वाला स्टाइल बड़ा पसंद है। कुछ मेरे भाई हैं बहुत से जिन्हें पंजाबी की समझ नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा सा उर्दू में बात कर देता हूँ कि उनको समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। सानू केड़ी टाइप ज़्यादा पसंद आई है खाने की, मम्मी डैडी स्टाइल ना खाना चंगा है या इस तरह देसी तरीके ना पंजाबी तरीके ना खाना चंगा है। फिर जदों विचों खाली हो जाता सीगा ना, फिर जूस वाह वाह बन जाता सी, ਉਹ ਲੈ ਜੂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਪੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਜੂਸ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਬੜਾ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।